हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। आप में से जो स्टूडेंट्स एमटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू गैट बी एग्जामिनेशन, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप ज़रूर जानते होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के बारे में। तो ये ICT मुंबई ने अपने कोर्सेज़ के लिए एडवर्टीज़मेंट निकाल दिया है। ये 3 कोर्सेज़ में एडमिशन लेगा गैट बी के एग्जामिनेशन के स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड के थ्रू। तो अगर आपको ICT मुंबई की वेबसाइट के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वेबसाइट है। मैं यहाँ का एड्रेस या वेबसाइट का एड्रेस आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इस वीडियो के। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि ICT मुंबई के थ्रू आप गैट बी स्कोर कार्ड के थ्रू ICT मुंबई में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो नोटिस आई है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करिए नीचे रीड मोर के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एडमिशन नोटिस फॉर गैट बी स्टूडेंट्स 2023-24 दिख जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी वो PDF डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई ये एडमिशन निकाल रहा है गैट बी स्टूडेंट्स 2023-24 के लिए। तो 3 कोर्सेज जैसे मैंने आपसे कहा था, एमटेक बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी और एमटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे कोर्स इनटेक लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है। इनटेक कितना कितना है, 30 स्टूडेंट्स फॉर एमटेक बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी और फूड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10 स्टूडेंट्स और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी 10 स्टूडेंट्स हैं। स्टार्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की June 21st है और लास्ट डेट जो है वो June 30th तक ही है। यानी कि आज अगर 22 तारीख है तो सिर्फ 8 दिन है आपके पास यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अभी कोई भी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स बाद में बताया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में आएगी और एडमिशन बाद में आएगा। बट नेचुरल ये बात समझ में आ ही रही होगी आपको कि डेट्स अभी यहाँ पे नहीं दिखाई गई हैं। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेता हूँ कि एमटेक बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या पढ़ाई की है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बट नेचुरली है ही, तो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया। इसके अलावा अगर मैं एमटेक फूड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो इसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। और एमटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तब भी बीटेक बीएससी BE इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 कोर्सेज़ के बारे में जानकारी हो गई। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कम्प्लीटली फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं होगी। इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो स्टूडेंट्स शुड क्लिक ऑन कैश बटन। आपको क्या करना है, वहाँ पे एक कैश बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिनिश कर दीजिएगा। इस दौरान फिर आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। रिजर्वेशन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से होगा और कैंडिडेट्स जो हैं वो गैट भी जो क्वालिफाइड है वहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल, इसका पूरा PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आगे इस तरीके के और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए आप वापस जा सकते हैं होम पे, जिससे कि आप वापस इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के होम पेज पे आ गए हैं। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशंस और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशंस 2023-24। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशंस 2023-24 यानी कि ये ऑनलाइन अप्लाई करने का पेज है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि आप PG कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये आपका ICT मुंबई आपका कैंपस हो गया, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट आपको ICT हो गया और सेलेक्ट कोर्सेज में सपोज़ करिए कि मैं एमटेक बायोप्रोसेस में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एमटेक बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जो जो डिटेल्स है मेरी मैं वो यहाँ पे फिल करता हुआ चला जाऊँगा और उसके बाद रजिस्टर कर लूँगा। रजिस्टर करने के बाद आप फिर से आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे, यानी कि आप रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अब इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना होगा। अगर आप बाकी कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके फिर आप दोबारा से थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको भरना पड़ेगा और आप वापस सारे कोर्सेज़ के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगेन ये चार्जेबल नहीं है तो इसका कोई टेंशन मत लीजिएगा कि आपके
पैसे लगेंगे इसमें। उम्मीद है कि आईसीटी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।